सो प्रीवियस मॉड्यूल के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल क्यों होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के अब एक और जो इशू फेस करना पड़ता है डेवलपिंग कंट्री को uh, वो होता है एक्सपोर्ट इंस्टेबिलिटी को लेके कि उनकी एक्सपोर्ट्स स्टेबल नहीं होती ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती नहीं है उस पर फ्लक्चुएशनस बहुत ज़्यादा आती हैं तो उसके हम कुछ कॉजेज़ और इफेक्ट्स जो हैं वो एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से एक्सपोर्ट uh, इंस्टेबिलिटी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ फेस करते हैं उसकी रीजंस क्या हैं और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक डायग्राम को जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ और प्राइसेस जो हैं वो हम लोगों ने एक्स एकज़ और वाई एक्सेस पे ली हुई हैं यहाँ पे आपके पास एक्सपोर्ट्स uh, की डिमांड की बात कर रहे हैं हम और एक्सपोर्ट्स की सप्लाई की बात कर रहे हैं तो यहाँ से हम प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं कि अज्यूमिंग दैट के कोई एक नेशन है जो एक डेवलपिंग नेशन है कोई एग्रीकल्चर कॉमोडिटी वो एक्सपोर्ट कर रही है और आ, जो ब्लैक इनिशियल कर्व्स हैं वो ब्लैक कर्व्स हैं आपके पास डिमांड एंड सप्लाई कर्व और वो एक्लेबम पॉइंट सपोज़ हम कहते हैं कि ई पे आके बनता है तो यहाँ पे प्राइस पी है और सपोज़ क्वांटिटी आप यहाँ से इसको वर्टिकली सपोज़ ड्रॉ कर सकते हैं लाइन ये एक वर्टिकल लाइन है जो क्वांटिटी uh, को शो कर रही है अब ड्यू टू एनी रीजंस आपके पास अगर डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई इंक्रीज कर जाती है अब मूवमेंट आ रही है अब आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम बेसिक पॉइंट्स टू अदर पॉइंट आपके पास डिमांड में डिक्रीज आया है तो आप ई e, डी से डी बार की तरफ चले गए तो न्यू इज डी बार और एट द सेम टाइम या अगर आपके पास सप्लाई एस टू एस हो गई है एस बार हो गई है तो आपके पास जो प्राइस है वो डिक्रीज़ करके पी बार बन जाएगी दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप देखें डिमांड को हमने चेंज किया सप्लाई को वो ही रहने दिया पहला केस तो आपके पास ये आ, इनिशियल सप्लाई का ब्लैक वाला और आपने सिर्फ डिमांड को चेंज किया है तो आपकी प्राइस कम हो के पी बार हो गई है यह अगर हम पोस्ट डिमांड को वही रहने देते हैं और सप्लाई को चेंज कर देते हैं वंस अगेन डिमांड ओरिजिनली डी रहा लेकिन अब आपने सप्लाई को चेंज किया और ये अब आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर तो इसको आप एक नाम दे सकते हैं किसी चीज़ का तो यहाँ पे भी आपके पास देखें प्राइस पी बार ही है तो इन एनी केस या अगर डिमांड शिफ्ट होती है या सप्लाई शिफ्ट uh, होती है तो आपके पास प्राइस कम हो जाती है फ्रॉम पी टू पी बार और अगर इंटरेस्टिंगली दोनों एट वंस चेंज हो जाए अगर तो आपके पास सेम टाइम अगर मूवमेंट होती है तो दोनों आप नए कर्व पे आ जाएंगे डिमांड कर्व यहाँ पे और सप्लाई कर्व यहाँ पे इंक्रीज हो तो प्राइस पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी इसमें आ, अगर आप देखें तो प्राइस इलास्टिक और अनस्टेबल डिमांड एंड सप्लाई रीज़न्स की वजह से आपके पास फ़्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा आती हैं आपके पास आ, इस डिमांड एंड सप्लाई कर्व के अंदर क्योंकि इलास्टिक प्राइस इलास्टिक हैं आपकी एक्सपोर्ट्स जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की हैं प्राइस बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा से ऐसा नहीं हो रहा देन वंस अगेन आपके पास अनस्टेबल डिमांड सप्लाई कर्व्स हैं जिसकी वजह से आपके पास फ्लक्चुएस बहुत ज़्यादा आ रही हैं और एक और रीज़न जो बड़ी सिग्निफिकेंट रीज़न है वो अनस्टेबल होने की वो ये है कि आपके पास जो स्पेंडिंग है इम्पोर्ट्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा uh, कम है क्योंकि आपकी जो कमोडिटीज़ हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की वो मोस्टली uh, एग्रीकल्चर uh, या बेसिक कमोडिटीज़ हैं तो बेसिक कॉमोडिटीज़ के ऊपर आपकी इनकम का बहुत कम uh, हिस्सा जो है वो खर्च होता है हमेशा से तो इस वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो सफ़र करती हैं ड्यू टू दिस एंड वंस अगेन बेसिक गुड्स की वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो डिमांड है वो भी इन इलास्टिक की फॉर्म के अंदर जाएगा एंड देन एक और चीज़ जो बड़ी uh, बनती है रीज़न वो ये बनती है कि आपके पास इनफ्लैक्सबिलिटीज़ है आपकी जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो सही तरीके से नहीं हो रही और रिजिडिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं इंटरनल जिसकी वजह से आपके पास जो रिसोर्स यूजेज़ हैं वो सही तरीके से नहीं हो रहे और उसकी वंस अगेन एक ये रीज़न है कि डोमेस्टिक रिसोर्स का कम होना एंड जो टेक्नोलॉजी की एडोपन ना होना जिसकी वजह से इंटरनल रेजिडिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं ट्रेडिशनल आप मेथड ऑफ प्रोडक्शंस की तरफ जाते हैं वहाँ से आपके पास रिसोर्स uh, तो लिमिटेड की फॉर्म के अंदर इकनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते होते हैं तो उसका जो आउटपुट uh, है वो आप बहुत ज़्यादा नहीं ले पाते और वंस अगेन एक और रीज़न वेदर uh, भी रहता है जो आपके पास जो सप्लाई को अनस्टेबल करता है डिमेंड साइड पे तो हमने बात कर ली कि वहाँ पे क्योंकि इन इलास्टिसिटीज़ हैं और इस चीज़ को हम इन कर्व्स की शेप से भी देख सकते हैं बड़ी आ, आ, इनकी कर्व की शेप्स जो हैं वो स्टीपर फॉर्म के अंदर आपको नज़र आएंगी फ्लैटर नहीं नज़र आएंगी जो इट्स ये शो करता है इन इलास्टिसिटी चाहे वो डिमांड की हो चाहे वो सप्लाई की हो और सप्लाई साइड पे एक और फैक्टर अगर देखें जो प्रिंसिपली बड़ा इफ़ेक्ट करता है दैट इज़ वेदर एग्रीकल्चर गुड्स डेवलपिंग कंट्रीज जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका जो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं वेदर के ऊपर तो अगर वेदर अकॉर्डिंग टू जो आपके पास फार्मर्स हैं उनके अकॉर्डिंग है तो आपके पास ग्रोथ ज़्यादा होगी और आप आउटपुट ज़्यादा कर सकेंगे लेकिन उसका भी ए सच इन सेंस वो नहीं uh, फ़ायदा हो रहा जो हम सप्लाई डिमांड साइड की बात करते हैं क्योंकि वो इनकम इलास्टिक है ही नहीं है तो उस चीज़ को आप नहीं ज़्यादा ले सकते या ज़्यादा आप फ़ायदा नहीं उठा सकते इसके पास वंस अगेन जो इस इन इलास्टिसिटीज की वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की मार्केट हैं वो भी बड़ी अनस्टेबल uh, सी रहती हैं वहाँ पे भी आपके पास बूम एंड बस्ट पीरियड्स चलते रहते हैं उसकी रीज़न ये है कि आपके पास जो लोग हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो एक्सपोर्टर हैं अगर उनका सपोज़ सीज़न अच्छा है फसल ठीक हो गई है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर या प्राइमरी प्रोडक्ट्स के अंदर तो वो पैसे सपोज कमा रहे हैं तो वही बैंक्स में डिपॉजिट करवा रहे हैं उसी की स्पेंडिंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं लेकिन अगर वो आ, सही नहीं रहता सीज़न वेदर की वजह से या ड्यू टू तो एनी रीज़न तो उस केस के अंदर क्या होगा वहाँ पे सेविंग्स भी कम होंगी इन्वेस्टमेंट भी कम होगी और अल्टीमेटली ये जो बूम एंड बर्स पीरियड जो है वो इकोनॉमीज के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर चलता रहता है और वंस अगेन इस इंस्टेबिलिटी जो एक्सपोर्ट की इंस्टेबिलिटी है वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी बनती चली जाती है ये मुल्क की स्टेबिलिटी में भी थोड़ा सा मसला रहता ही है और उसकी वजह से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट्स हैं उन डेवलपिंग कंट्रीज़ की वो सही तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के अंदर भी जो है वो आ, नहीं कर पाती क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं होती तो ये कुछ कॉज एंड इफेक्ट्स थे जिसकी वजह से इनस्टेबल इनस्टेबल एक्सपोर्ट्स की वजह से हमने ये देखा कि आपके पास ना सिर्फ एक्सपोर्ट अर्निंग इफेक्ट होती हैं बल्कि इससे इकानमी इफेक्ट होती है क्योंकि टू सम समक्सटेंट एक्सपोर्ट अर्निंग्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट इनकम सेविंग्स और इस सारी किसी ना किसी फॉर्म में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ